राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी दो दिन पहले जैसलमेर दौरे पर थे। वो वहां पर नवनिर्वाचित बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने जिलों और संभागों के भाजपा के रिव्यू करने के सवाल पर एक ऐसा बयान दे दिया कि चर्चाओं में बन गए और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। सरकार के नए जिलों और संभागों के रिव्यू पर कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने नाराजगी जताई थी और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि किसी का बाप भी इस फैसले को बदल नहीं सकता। बस फिर क्या था, उनके इस बयान के बाद से हेमाराम चौधरी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और हेमाराम चौधरी के इस बयान से बीजेपी नेता खासा नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अब कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने हेमाराम चौधरी के इस बयान पर पलटवार किया है। सुमित गोदारा ने कहा है कि 33 जिलों की जगह 50 जिले कर दिए गए, बिना सोचे समझे जिलों के गठन करने का कोई मतलब ही नहीं है। सुमित गोदारा ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता को अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए और उनको ऐसे उल जलूल बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मर्यादा में रहकर ऐसे बयान देने चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का ये जो बयान है उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उनके इस तरह के बयान पर लोग उन्हें खासा ट्रोल कर रहे हैं। कई लोग तो उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें कैमरा और माइक के सामने आने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान में बनाए गए नए 17 जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने और फैसलों का रिव्यू करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। ये कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देगी और उसके बाद जो आगे के फैसले होंगे वो सरकार की ओर से लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।